हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 3 से 4 दिन पहले मैंने वीवो S1 Pro के एंड्रॉयड 11 अपडेट के ऊपर वीडियो बनाया था और ये भी बताया था कि बहुत ही जल्द इसका एक डिटेल रिव्यू आने वाली है। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई, लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में वीवो S1 Pro के एंड्रॉयड 11 में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या कुछ एडिशनल फीचर देखने को मिले हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है दोस्तों कि कुछ फीचर मुझसे मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो गए आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए देखते हैं वीवो S1 Pro में एंड्रॉयड 11 के बाद क्या कुछ एडिशनल फीचर आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है वीवो का वीवो S1 Pro। और बात करें दोस्तों एंड्रॉयड 11 के बाद इसके वर्जन की, तो एक बार मैं आपको सिस्टम अपडेट में ले जाके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 11 के बाद वीवो S1 Pro का जो वर्जन है वो है 8.70.47। और ये अबाउट फ़ोन में आपको अगर मैं दिखाऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि जो वीवो S1 Pro है एंड्रॉयड 11 में अपडेट हो चुका है, मगर यहाँ पर आपको फ्रंट टच ओएस 10.5 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको फ्रंट टच ओएस 11 देखने को नहीं मिल रहा है और मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। और मैं आपको दोस्तों क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा चेंजेज आपके वीवो S1 Pro में एंड्रॉयड 11 में देखने को नहीं मिले हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो इसमें सेटिंग के जो आइकन है वो काफ़ी कलरफुल और देखने में पहले की तुलना में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को ओपन करूँ तो यहाँ भी कुछ तरह के चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको डिस्प्ले और ब्राइटनेस को भी ओपन करूँ तो यहाँ पर डार्क मोड पहले जैसा ही, किसी तरह का कोई चेंजेस देखने को मुझे नहीं मिले। आपको लगे तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों, वहीं पे आप होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिले हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक अलग से लाइव एनिमेशन ओरिजिन ओएस का देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बाकी सेम पहले जैसा ही है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोड का ऑप्शन मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके रखते हैं तो जब भी आपका फ़ोन मूव करेगा तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होगा, जिससे आपके फ़ोन की जो बैटरी होगी वो काफ़ी हद तक सेव होगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे एंड्रॉयड 11 में देखने को मिला है और कोई चेंजेस मुझे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में देखने को नहीं मिला है। अगर आपको लगे तो आप बता सकते हैं। और यहाँ पे थीम में या वॉलपेपर में किसी तरह का मुझे चेंजेस देखने को नहीं मिला, पहले जैसे ही थीम में जो थीम आपको मिलते थे, चाहे वॉलपेपर देखने को मिलते थे, पहले जैसे ही है। कुछ एडिशनल आपको थीम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे डायनेमिक इफेक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं। कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है, सब कुछ एंड्रॉयड 10 यानी फ्रंट टच ओएस 10 के जो चेंजेस थे वो पहले जैसे ही है। कुछ है अलग से एनिमेशन ऐड हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनलॉक में भी पहले जैसा ही है, कुछ अलग से इसमें ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट में इनके अकॉर्डिंग एक अलग से एनिमेशन ऐड हुआ है, आप देख सकते हैं एक एनिमेशन अलग से ऐड हुआ है इसमें। बाकी सब पहले जैसा है, चाहे वो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ले लीजिए या चार्जिंग एनिमेशन ले लीजिए, ये सब कुछ पहले जैसा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, कुछ एडिशनल चेंज हुआ है तो आप बता सकते हैं। सब कुछ पहले जैसा ही है। और नेक्स्ट में अगर आपको नेविगेशन जेस्टर में ले जाऊं तो पहले जैसा ही है, यहाँ पे कोई इसी तरह का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। हाँ, इसका ट्यूटोरियल जो है वो चेंज किया गया है, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर यहीं पे आप यस कैप्चर पर जाएँगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग पर जाएँगे तो दोस्तों, बहुत सारे फ़ोनों में आपको बोथ मतलब एक्सटर्नल इंटरनल ऑडियो साउंड साथ में रिकॉर्ड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलते हैं, वो पहले जैसा ही है। नेक्स्ट मैं अगर आपको होम स्क्रीन पे ले जाऊं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को लगे हैं, कोई मेजर चेंजेस तो नहीं है, केवल आपके जो लुक है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया, आप देख सकते हैं। विजिट का या आप स्लाइडर सेम पहले जैसे ही है, कुछ अलग से एडिशनल चेंजेस देखने को नहीं मिला है। हाँ, थोड़ा सा पहले की तुलना में काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है, इस बात को मैं कह सकता हूँ। आपको यहाँ पर विजिट में भी सब कुछ पहले वाला ही, कुछ अलग से एडिशनल यहाँ पर नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर ऐड किया है कि आप एक साथ कई ऐप्स को क्लिक करके एक साथ उसको मूव कर सकते हैं, एक साथ किसी के साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा है इस होम स्क्रीन में। और दोस्तों, नेक्स्ट मेजर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आई मैनेजर में मेजर चेंजेस देखने को मिला है। इसका जो लुक है बिल्कुल ओरिजिन ओएस की लुक की तरह दे दिया गया है और पहले की तुलना में काफ़ी स्मूथ और काफ़ी लाइट लग रहा है, आप देख सकते हैं। और सारा जो एडिशनल फीचर है इसके साथ इसको ऐड कर दिया गया है, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यही एक मेजर आई मैनेजर में आपको चेंजेस देखने को मिले हैं वीवो S1 Pro में।
और दोस्तों नेक्स्ट चेंजेज आपको फाइल मैनेजर में देखने को मिलेगी। जो फाइल मैनेजर का लुक है वो बिल्कुल ओरिजिन ओएस की तरह कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जो आइकॉन है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ। और दोस्तों नेक्स्ट विजुअल चेंजेस की बात करें तो आपको कोने साइड में पहले सारा कुछ एक ही जगह दिखाई देता था, जो सिग्नल आती थी या नेटवर्क स्पीड आता था, लेकिन इस अपडेट के बाद ये जो स्पेस है उसको चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेटवर्क सिग्नल है उसको अलग कर दिया गया है और जो नेटवर्क स्पीड है उसको अलग कर दिया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो अगर आप एल्बम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, फोटो मूवी क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको यहाँ पे अच्छा फीचर मिल जाता है एआई एडिटर का, जो कि पहले नहीं था। इसके थ्रू आप बड़े आसानी से वीडियो एडिट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ एनिमेशन दे सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी फोटो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल पैनल में किसी तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, बिल्कुल आपको फन टच ओएस 10 वाला यानी एंड्रॉयड 10 वाला ही देखने को मिला है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस आपके जो भी होम में भी देखने को मिले हैं, आप देख सकते हैं पहले की तुलना में कुछ एडिशनल फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी होम में भी। तो दोस्तों जो भी चेंजेज मुझे लगे एंड्रॉयड 11 में मैं आपके साथ शेयर किया, हो सकता है कुछ छूट गया हो मेरे से तो आप नाराज़ मत होइएगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, धन्यवाद।